हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वॉज टीचिंग यू एम एस वर्ड वेयर आई हैव टोल्ड यू दैट वाई डू वी यूज़ एम एस वर्ड. एम एस वर्ड इज़ यूज टू राइट लेटर्स, क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. सो एम एस वर्ड हम यूज़ क्यों करते हैं? हमारे पास दूसरे सॉफ्टवेयर भी तो हो सकते हैं. वाई डू वी यूज़ टू क्रिएट एम एस वर्ड? Because it has some inbuilt function and which are very much comfortable to create any document easily. First one is spelling and grammar. You can, whenever you are writing any document or any letter, if you have written incorrect spelling, then it can show you that you have mistaken any particular letter by सम वेवी लाइन. मतलब अगर आपने कोई गलत स्पेलिंग लिखा है तो वहाँ पे वो ब्लू या रेड कलर की हाईलाइट हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यू हैव रिटन इनकरेक्ट स्पेलिंग. सो दिस इज़ द डिफॉल्ट फीचर ऑफ एम एस वर्ड. नाउ वन अनदर फीचर ऑफ एम एस वर्ड इज़ दैट यू कैन सेट लैंग्वेज. सो एम एस वर्ड इज़ अ वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, मीन्स इट इज़ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. सो यू कैन सेट डिफरेंट लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड, मीन्स from America, from Afghanistan, India, Pakistan, every language you can set. You can see from here, we can see review, file, home, insert. We can insert table also here with the help of MS Word. Table भी insert कर सकते हैं, design set कर सकते हैं. Now, types of errors in MS Word. We have different types of errors. Like, हमें पता कैसे चलेगा कौन कौन से errors आते हैं. फर्स्ट वन इज़ यू कैन गेट अ रेड वेवी लाइन शोइंग स्पेलिंग एरर और ब्लू वेवी लाइन शोइंग ग्रामेटिकल एरर. मतलब रेड वेवी लाइन होंगे तो स्पेलिंग एरर होगा और ब्लू वेवी लाइन होगा तो ग्रामेटिकल एरर होगा. बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर में ये स्पेलिंग एरर के फीचर होते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव इन योर कंप्यूटर. अगर नहीं है तो आप कहाँ से सेट करोगे? आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल टैब में जाओगे, वहाँ के ऑप्शन में जाओगे, वहाँ पे चेक स्पेलिंग एज यू टाइप ऑप्शन विल मार्क स्पेलिंग एरर ऑटोमेटिकली. चेक करोगे मतलब उसको टिक करोगे. जब आप टिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो वाली फ़ीचर ऑन हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो आपको उसका एरर मैसेज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. नाउ आफ्टर सेटिंग दैट मैसेज, हाउ कैन यू करेक्ट एरर वाइल राइटिंग? जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमें इस टाइप का ऑप्शन मिलता है, जैसे इग्नोर यूजिंग, ये एड डिक्शनरी. मतलब डिक्शनरी की हेल्प से आप करेक्ट करना चाहते हो या आप उसको इग्नोर करना चाहते हो. या हाइपर लिंक, मतलब होता है कोई लिंक जिसमें आप क्लिक करोगे तो दूसरे लिंक में चले जाओगे. इस टाइप के एरर्स को आप फेस कर सकते हो. यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, ग्रामर सजेशन, स्पेलिंग सजेशन एंड कनेक्टेड एरर्स, कनेक्टेड सेंटेंस. नाउ एडिंग अ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, हाउ टू ऐड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन योर एम एस वर्ड. टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर आफ्टर कंप्लीटिंग द टेक्स्ट, वी नीड टू फॉलो द स्टेप्स. हम पहले रिव्यू टैब में जाएंगे. ये मैंने आपको बताया था, ये रिव्यू टैब कहाँ पर है? रिव्यू टैब है हमारे जो एम एस वर्ड का जो फर्स्ट मेन्यू बार है, उसमें रिव्यू टैब है. इन द प्रूफिंग ग्रुप क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर टू ओपन द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स. यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये है स्पेलिंग एंड ग्रामर. स्पेलिंग एंड ग्रामर द एरर विल बी रिटन हियर. जो भी एरर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इस डायलॉग बॉक्स में एरर आ जाएगा. यहाँ पे जैसे यूज़र ने यूजिंग में एरर लिखा है तो ये एरर उसे आ जाएगा. उसके बाद द सजेशन टू करेक्ट एरर आर लिस्टेड, लिस्ट में आ जाएगा कौन कौन सा एरर यूज़र ने किया है. और फिर नेक्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, चूज अ सजेशन. आप सजेशन क्लिक करोगे कि आपको चेंज करना है, एक को चेंज करना है या सबको चेंज करना है. नाउ एडिंग न्यू वर्ड टू एम एस वर्ड डिक्शनरी. आप चाहते हो कि एम एस वर्ड की जो ऑटोमेटिकली डिक्शनरी बनी हुई है उसमें आप न्यू वर्ड ऐड करो. यूजुअली प्रॉपर नाउन्स लाइक योर नेम, नेम ऑफ माउंटेन्स आर नॉट प्रेजेंट इन एम एस वर्ड डिक्शनरी.
हमारा नेम यूनिक होता है, नेम ऑफ माउंटेंस भी यूनिक होते हैं अलग अलग, तो वो डिक्शनरी में एडिट नहीं होते। तो आप ऐड टू डिक्शनरी करके आप जो भी लिख रहे हो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। नाउ वी हैव अ सेपरेट फीचर इन एमएस वर्ड दैट इज़ ट्रेजर। व्हाट इज़ ट्रेजर? यू ऑल आर फेमिलियर विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप जानते हैं इंग्लिश में होते हैं। सिनोनिम्स आर डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग, अलग अलग वर्ड जिनके मीनिंग सेम होते हैं, और एंटोनिम्स मतलब अपोजिट मीनिंग होते हैं। जैसे अ सिंपल वर्ड बिग हैज़ मैनी सिनोनिम्स लाइक लार्ज, ह्यूज, ग्रेट, इमेंस, मैसिव, जायंट, वास्ट, ट्रेमेंडस। बिग को हम इतने वर्ड से जानते हैं। ट्रेजर क्या करता है? गिव्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ अ सिलेक्टेड वर्ड। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का रिकॉर्ड बताता है एमएस वर्ड में। दैट इज़ द फीचर ऑफ ट्रेजर। वाइल राइटिंग, हम कोई बड़ा लेटर लिख रहे हैं तो वी नीड, हमें ज़रूरत हो सकती है ट्रेजर्स की। ट्रेजर आपको कहाँ पे मिल सकता है? होम टैब के ट्रेजर, यहाँ यहीं पर स्पेलिंग एंड एरर के बगल में ट्रेजर मिलेगा। यू नीड टू क्लिक ऑन दैट वन। क्लिक ऑन ट्रेजर, दिस विल ओपन द रिसर्च टास्क पैन ऑन द राइट साइड ऑफ द एमएस वर्ड। अभी क्या होगा? द कैटलॉग, ऐसे करके ऑप्शन आएगा। द कैटलॉग सो द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड बिग। यहाँ पे ट्रेजर में आपने जैसे लिखा वास्ट, तो वास्ट से रिलेटेड जितने वर्ड्स है वो सारे आपको एक लिस्ट में आ जाएंगे, इसको बोलते हैं ट्रेजर्स। नाउ एमएस वर्ड में एक और फीचर है बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज, वी यूज़ टू राइट नो जीमेल, हम मेल लिखते हैं। वी यूज़ टू सेंड मेल्स टू ईच अदर। मेल मर्ज बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है एमएस वर्ड का। अज्यूम यू वॉन्ट टू सेंड अ लेटर और इन्विटेशन टू मैनी पीपल। जैसे हमें एक ही पर्सन को मेल करना होता है तो हम उसे जीमेल में जाके मेल कर देते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ, जैसे ऑफिस में बॉस जो है वो सबको लेटर भेजना चाहता है, तो उसके लिए वो सिंगल लेटर को लिख के उसको मेल मर्ज कर देते हैं। हाउ टू डू मेल मर्ज? टाइप एन इन्विटेशन, फर्स्ट यू नीड टू टाइप अ लेटर, टाइप एन इन्विटेशन विच इज़ टू बी सेंड टू मैनी पीपल। देन क्लिक ऑन द मेलिंग टैब, मेलिंग टैब में क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन, स्टार्ट मेल मर्ज में क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, मेल मर्ज, और यहाँ पे उसके स्टेप्स दिए हुए हैं, हाउ टू क्लिक ऑन द डिफरेंट स्टेप्स। क्लिक ऑन द लेटर ऑप्शन, क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट टू मूव टू द विजार्ड, मीन्स हाउ टू राइट अ लेटर, और फिर उसको कैसे हम डिफरेंट पीपल को भेज सकते हैं। यहाँ पे एक दिया हुआ है एड्रेस लिस्ट, हमें एड्रेस लिस्ट बनानी होती है। जैसे इसमें हम डिफरेंट टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ का डालते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ का लिखना है सबका लिस्ट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। और फिर उसके बाद सेलेक्ट द टाइप अ न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट जब बन जाता है उसके बाद क्रिएट, क्लिक ऑन क्लिक टू क्रिएट टू ओपन अ न्यू एड्रेस लिस्ट। न्यू एड्रेस लिस्ट क्लिक करते हैं तो ये आता है, इसको फिल करते हैं तो फिर ये आफ्टर फिलिंग द एड्रेस लिस्ट वो कुछ ऐसे दिखेगा। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, एंटर रिसिपिएंट एज द फाइल नेम। हम जब मेल बना रहे होते हैं तो रिसिपिएंट का नाम लिखते हैं और उसको सेव कर देते हैं। क्लिक ऑन सेव टू ओपन द मेल मर्ज रिसिपिएंट। अब ये सारे लिस्ट जो हैं वो हमारे सेव हो गए हैं। मेल मर्ज रिसिपिएंट डायलॉग बॉक्स है ये। मेल मर्ज का यहाँ पे फिर मेल मर्ज का डायलॉग बॉक्स इस तरह से खुलेगा, जहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट मतलब जो पहले से बनाई हुई है लिस्ट वो दिखेगा। सेलेक्ट फ्रॉम द आउटलुक कॉन्टैक्ट या फिर पहले से आपके कंप्यूटर में जो सेव है वो दिखेगा। क्लिक ऑन द नेक्स्ट राइट योर लेटर ऑप्शन टू मूव टू द विजार्ड एंड मोर आइटम ऑप्शन। मतलब आप ये आपके कॉमन सेंस या आपके नीड पे जरूर डिपेंड करता है कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जो आप अपने मेल में ऐड करना चाहते हो और फिर यूज़र को भेजना चाहते हो। सो स्टूडेंट, इफ़ यू विल हैव एनी डाउट तो मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूँगी। सो डोंट वरी अबाउट द थिंग्स दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द स्मॉल डिटेल ऑल्सो। फर्स्ट यू गो थ्रू दिस वीडियो एंड आई एम श्योर दैट यू विल, श्योरली यू विल अंडरस्टैंड इफ़ यू विल कॉन्सेंट्रेट। Thank you.